हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रीटमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हमारे भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, मतलब 5 ईयर्स जो प्लान है, उसकी वजह से क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, ठीक है, क्या क्या उन्नति हुआ है हमारे देश की इकोनॉमी में, ये सब डिस्कस करेंगे। ये एक नोट्स है, ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक्सप्लेनेशन भी है इसके साथ, तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए, ये नोट्स को समझने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कुछ आप समझ लो कि पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ठीक है, और इकोनॉमिक प्लान जो है ये कब से शुरू हुआ, प्लानिंग कमीशन क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये प्लानिंग क्या है, मतलब प्लानिंग क्या है, हम जब पढ़ाई करते हैं तब एक प्लान कर लेते हैं, मतलब ये 4-5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और कितने टाइम के, 5 आवर्स हमारे पास टाइम है, 5 आवर्स के बीच में हम टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। 5 सब्जेक्ट्स में से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने प्लान कर लिया, एक टाइम पीरियड के अंदर कुछ गोल्स को सेट किया, मतलब ये मैं पढ़ूंगा आज, तो ये जो प्री डिटरमाइंड गोल था, इसको ही प्लान बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर देश के लिए एप्लीकेबल होता है तो ये देश का प्लानिंग बन जाता है। प्लानिंग मीन्स टू फॉर्मुलेट, मतलब कुछ फॉर्मुलेट करना, कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, और जो मैंने तय किया कि ये 5 सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, तो इसको पढ़ना भी होगा, इम्प्लीमेंट भी करना होगा, वो पढ़ने का काम इम्प्लीमेंट भी करना होगा प्रोग्राम, और उसके लिए एक्शन भी लेना होगा। सर्टेन प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ही डिटरमाइंड करके रखा, जो ऑब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसको पढ़ना है ये 5 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो था विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये सेम देश के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये देश के लिए कैसे एप्लीकेबल होता है, देश के लिए 5 साल होता है 5 आवर्स की जगह, और ये जो प्लानिंग रहता है, प्लानिंग रहता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना, पॉपुलेशन घटाना, और हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट करना, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट गोल्स रहते हैं। तो 5 साल के अंदर ये गोल्स पूर्ण करना होता है। तो ये है इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर ए कंट्री, ओके। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, जो लिमिटेड एक कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्स जो है, नेचुरल रिसोर्स को 2 तरह के डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स एक नॉन रिन्यूएबल होता है, एक रिन्यूएबल होता है, ठीक है। रिन्यूएबल अंदर कौन सा पड़ता है, नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल कौन सा है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है, नॉन रिन्यूएबल वो होता है जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये खत्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स कोल, पेट्रोलियम को सही तरीके से स्किलफुली यूज करके ये बहुत सारा डेवलपमेंट, जो नेशन का जो डेवलपमेंट होगा, तो उसको ही हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। मतलब एक प्लानिंग की तरह से, मतलब एक प्लान करके वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को यूटिलाइज करना है स्किलफुली, ठीक है। तो यही है इकोनॉमिक प्लानिंग का कुछ और एक ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक प्लानिंग जो था वो इंडिया में मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स, मैंने 5 ईयर्स प्लान ही चला है, ठीक है। 5 ईयर्स प्लान के नाम पे ये जाना जाता है। ये जो 5 ईयर्स प्लानिंग है ये रशिया से कॉपी किया गया, मतलब रशिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी 5 ईयर्स प्लानिंग चलता था। ये 5 ईयर्स प्लान कब शुरू हुआ हमारे देश में, 1950 में शुरू हुआ, ठीक है। और लास्ट जो 5 ईयर्स प्लान था वो 2012 था, 2012 का 5 ईयर्स प्लानिंग लास्ट था, जो है 12th 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये कब एंड हुआ, 2012 का जो लास्ट जो 5 ईयर्स प्लानिंग था वो खत्म हुआ 2017 में, ठीक है। और ये खत्म होते होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से यही एक लास्ट जो था, 12वीं जो 5 ईयर्स प्लान था, यही लास्ट माना जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि 2015 में नीति आयोग के नाम से नरेंद्र मोदी ने एक लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया एक प्लान को, ठीक है। और ये जो 5 ईयर्स प्लान था उसको स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। 5 ईयर्स प्लान को स्टॉप करके ये नीति आयोग चालू किया गया, इसके ऊपर रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग, ठीक है। ये नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये नीति आयोग कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो है श्री नरेंद्र मोदी, और जो वाइस चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर राजीव कुमार,
और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है श्री अमिताभ कांत, ठीक है। तो अगर ये आपको याद रहे तो अच्छा है, ना रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और ये प्लानिंग कमीशन क्या है, वो जो फाइव ईयर्स प्लानिंग था, फाइव ईयर्स प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए ये कमीशन था जो 1950 में ही शुरू हुआ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट चेयरपर्सन था इसका, ठीक है। तो चलिए मेन नोट्स में जाते हैं, चलो देख लेते हैं। अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम। ये सक्सेसफुल रहा है क्योंकि इसकी वजह से नेशनल इनकम भी नेशनल इनकम जो है उसका वृद्धि हुआ, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, इकोनॉमी में, और रिजल्टिंग क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ, ठीक है। द एवरेज ग्रोथ रेट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3.5% टू 5.5% सिंस 1950 से लेके 1990 तक। ये हमारा जो इकोनॉमी का जो इंक्रीज हुआ है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो है 3.5% से 5.5% तक इंक्रीज हुआ था 1950 से लेकर 1990 तक। द इकोनॉमी रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ टोटल 7.8% ड्यूरिंग द 11th फाइव ईयर्स प्लान। जो 11th फाइव ईयर्स प्लान था वहाँ वो 11th फाइव ईयर्स प्लान तक रिकॉर्ड किया गया कि 7.8% इंक्रीज हुआ है हमारे इंडिया में जीडीपी का, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है। तो इसकी वजह से और क्या क्या चेंज हुआ, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, खेती में क्या डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इंप्रूव हुआ, चलिए देख लेते हैं। वेरियस इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स थे उसको इम्प्लीमेंट किया गया, सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरा विप्लव था, ठीक है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एक बहुत डिटेल में एक नोट है, अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अगर आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एक डिस्कशन है उसको, ठीक है, वो एक वीडियो के आकार में भी दिया हुआ है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो भी फाइव ईयर्स प्लान के अंदर ही इंक्लूडेड था, जिसमें एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसीज हैज बीन चेंज्ड इन अ कंसिडरेबल चेंज इन द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड और ज़्यादा हार्वेस्टर, ऐसा ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए क्या होता था, जो प्रोडक्शन कम होता था, ठीक है। तो ये फाइव ईयर्स प्लानिंग के बाद जो प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज हुआ। द प्रोडक्शन ऑफ मेजर फूड ग्रेन्स जो होता है, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, ठीक है, चाल है, गेहूं है, दाल, ये सब बहुत इंक्रीज हुआ। मतलब पहले जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये जो प्लानिंग था, प्लानिंग होने के पहले क्या था, 77.14 मिलियन टन्स जो है वो 1958 से लेकर 1959 तक जो रिकॉर्ड है वहाँ तक कितना हुआ था, 77.14 मिलियन उत्पादन होता था टोटल इंडिया में, ठीक है। और वो इंक्रीज होकर कितना हुआ है, 252.22 मिलियन टन्स हुआ है 2015-16 में, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, अर्थात ये जो फाइव ईयर्स प्लानिंग की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से जो इंक्रीज हुआ है, मतलब राइस, व्हीट, पल्सेस, ऐसे जो मेजर जो फूड क्रॉप्स हैं, ये इसका डेवलपमेंट में बहुत इंक्रीज हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। द यील्ड पर हेक्टर फॉर फूड ग्रेन्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 662 केजी टू 2056 केजी। मतलब पहले एक हेक्टर में प्रति हेक्टर में कितना उत्पादन होता था, 662 केजी उत्पादन होता था 1959 से 1960 के बीच में, ठीक है। अभी क्या हुआ, वो बहुत इंक्रीज होकर क्या हुआ, 2056 हो गया, ठीक है, इतना केजी उत्पादन होने लगा एक हेक्टर में, प्रति हेक्टर में इतना केजी फसल उगने लगा, ठीक है, जो 15-16 का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो ये है फाइव ईयर्स प्लानिंग का एक मेरिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हुआ, ये फाइव ईयर्स प्लानिंग की वजह से इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ आया, ठीक है।
तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट किया है ये फाइव ईयर्स प्लान. ठीक है, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 54.8 टू 152. मतलब जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन ये 54.8% था. ठीक है, 54.8 था ये प्रोडक्शन का रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसका, और वो बढ़ के कितना हुआ 152. तो ये भी बहुत है, विच इज़ अबाउट 176% इंक्रीज हुआ ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ में. आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा है. ठीक है, ये इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री फाइव ईयर्स प्लान. मतलब 15 साल में फर्स्ट थ्री, मतलब पहला जो थ्री फाइव ईयर्स प्लान था वो. ठीक है, ये फर्स्ट थ्री फाइव ईयर्स प्लान में इतना डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, लगभग 176% डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में. तो ये भी एक फाइव ईयर्स प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिक है. ठीक है, तो उसके बाद देख लेते पब्लिक सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ. पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या, सरकारी जो संस्था होती है. ठीक है, सरकारी जो कंपनीज होते हैं, सरकारी जो इंटरप्राइजेस होते हैं, इसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं. पब्लिक सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ. द पब्लिक सेक्टर प्लेड ए प्रीडोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस के ठीक बाद. मतलब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 में जो है फाइव ईयर्स प्लान शुरू हुआ. फाइव ईयर्स प्लान शुरू होने के ठीक बाद क्या हुआ, वेल देयर वर ओनली फाइव इंडस्ट्रियल पब्लिक सेक्टर. मतलब सिर्फ तभी क्या था, सिर्फ पाँच इंडस्ट्रियल पब्लिक सेक्टर था. ठीक है, एंटरप्राइज था इन 1951 में सिर्फ पाँच था. द नंबर इंक्रीज टू 244 इन 1990. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर कितना बढ़ गया, सिर्फ पाँच था 1951 में, और 1990 में कितना हुआ 244. ठीक है, और वो बाद में डिक्रीज भी हो गया था, अभी जो है 217 है मार्च 2010 के हिसाब से. ठीक है, एक्चुअली इसके बाद का जो डेटा है, डेटा अभी तक नहीं मिला है, कहीं भी बुक में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, इंटरनेट में भी ठीक ठाक डेटा नहीं है, तो इसलिए मैंने जो प्रीवियस जो डेटा था सरकारी हिसाब के अनुसार, वो उसको ही मैंने यहाँ पे दिया है. ठीक है, नोट्स में. अब देख लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से, फाइव ईयर्स प्लान की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का उन्नति हुआ. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, रास्ता जो है, ट्रेन फैसिलिटी, रेल, ये बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ. कम्युनिकेशन सिस्टम का भी बहुत उन्नति हुआ, पोस्टल सिस्टम का उन्नति हुआ. उसके बाद क्या है, पावर जो है, पावर जनरेशन, मतलब जो पावर पॉइंट होते हैं ना, जहाँ से विद्युत उत्पादन होता है, वहाँ उसका डेवलपमेंट हुआ. इरिगेशन प्रोग्राम का, ठीक है, जलसेच व्यवस्था का जो डेवलपमेंट है उसका डेवलपमेंट हुआ, एटसेट्रा. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट था, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP वॉज अबाउट 5.9% ड्यूरिंग 10th प्लान. 10th जो प्लान था, 5 ईयर्स प्लान था, उसमें 5.9% इंक्रीज हुआ था GDP का. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया. और अभी जो है 11th जो प्लान था, 11th प्लान में कितना हुआ, 5.9 से बढ़कर 7.2 हुआ. ठीक है, तो इसमें भी इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो फाइव ईयर्स प्लान है, ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है, उसके बाद देख लेते एजुकेशन सेक्टर में ये फाइव ईयर्स प्लान क्या इम्पैक्ट दिया है. ठीक है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर. एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज टू बिल्ड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का जो क्वालिटी है, क्वालिटी कब बढ़ेगा, अगर कोई व्यक्ति एडुकेट होता है, वो अगर एडुकेटेड होता है तो उसका क्वालिटी अलग होगा, और जो एडुकेटेड नहीं है उसका क्वालिटी बहुत लो होगा. तो इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज टू बिल्ड द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. ओके, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी. मतलब जो जिसके अंदर बहुत ज्ञान होगा, जिसके अंदर एडुकेशन है, जिसके अंदर ज्ञान है, वो क्या कर सकता है, वो जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी तरह से बढ़ा सकते हैं. ठीक है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है.
ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में। तो यहाँ क्या हुआ, 5 ईयर्स प्लान में एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया। और 5 ईयर्स प्लान के टाइम में द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितना हुआ, इंक्रीज होकर 22 से होकर 254 बढ़ गया। यूनिवर्सिटी जो भारत में जो यूनिवर्सिटी था वो सिर्फ 22 यूनिवर्सिटीज था पहले 5 ईयर्स प्लान के पहले, ठीक है 1951 में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंक्रीज होकर 254 यूनिवर्सिटीज बन गए। तो लिटरेसी लेवल भी बढ़ गया उसके साथ साथ। टोटल जो लिटरेसी लेवल था 16.7%, ठीक है 1951 में। तो वो इंक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। तो 2011 में जो सेंसस हुआ, सेंसस में क्या देखा गया, तो वो सेंसस में ये देखा गया कि जो 16.7 से वृद्धि होकर टोटल 74.04% में इंक्रीज हो गया। तो ये भी 5 ईयर्स प्लानिंग का बहुत एक मेरिट है, ठीक है बहुत एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देख लेते हैं हेल्थ, हेल्थ सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ ये 5 ईयर्स प्लानिंग की वजह से। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डेवलपमेंट होने की वजह से इंडिया में जो है सक्सेसफुली कंट्रोल कर सका, किसको कंट्रोल कर सका, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज होते थे, मतलब ये जो डिजीज जो जिसका जिसके वजह से एकदम मृत्यु हो जाता था उसको प्रिवेंट कर सका है ये हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट ने। जैसे चिकन पॉक्स होता था, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, पोलियो, टीबी, ऐसे जो खतरनाक बीमारी होते थे इसका इलाज पहले नहीं था। और ये इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद बाहर से बहुत सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे हु है, ठीक है WHO है, जिसकी मदद से ये जो ऐसे बीमारी है इसका इलाज भी निकाला गया भारत में। तो इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ का एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गया। मतलब पहले क्या होता था 32 जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी माना जाता था, मतलब जो एवरेज पीपल है वो 32 ईयर्स तक अलाइव था, ठीक है। उसके बाद वो इंक्रीज होकर क्या हुआ 68 हो गया अभी, ठीक है। मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है ये बहुत बढ़ गया, ठीक है 1950 से लेकर 2014 तक, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ, इंडिया इज द थर्ड मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर द टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट में जो थर्ड मोस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है इंडिया। इट इज अमॉन्ग द टॉप मोस्ट कंट्रीज द साइंटिफिक रिसर्च एंड द स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है जैसे इसरो हमारा एक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या हुआ इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया कि एक बार जाकर, मतलब एक रॉकेट से जाकर इन्होंने टोटल 104 सेटेलाइट को फिट किया, ठीक है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने इसरो ने, ठीक है। तो ये भी एक इंडिया का इंडिया जो है ये पूरा वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक हब है यूएसए और चाइना के बाद, ठीक है यूएसए और रशिया के बाद जो है वो भारत का पोजीशन है, ठीक है ये साइंटिफिक मैन पावर जो लार्जेस्ट है हमारे देश में, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 ईयर्स प्लानिंग की वजह से फॉरेन ट्रेड में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया प्राइमरीली एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। सिर्फ क्या करता था जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है सिर्फ एग्रीकल्चरल जो कमोडिटी है उसको एक्सपोर्ट करता था, और किसको एक्सपोर्ट करता था, यूके और यूएस को, ठीक है यूनाइटेड किंगडम और यूएस को मैक्सिमम जो है मेजर जो पार्ट वो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे इंडिया के साथ। तो इसको ही यूके और यूएस को ही ज़्यादा जो है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करता था इंडिया। ड्यू टू द प्लान, वो 5 ईयर्स प्लान की वजह से क्या हुआ, ये जो रिड्यूस कर दिया और बाहर से और यहाँ से यूएस और यूके से बहुत सारा प्रोडक्ट जो है हमारे देश में लाया जाता था, क्योंकि हमारे देश में वो उत्पादन नहीं होता था इसलिए। तो उसके बाद क्या हुआ, 5 ईयर्स प्लान आने के बाद, 5 ईयर्स प्लान आने के बाद वो जो डिपेंडेंसी था दूसरे कंट्रीज के ऊपर, यूएस और यूके के ऊपर जो इंडिपेंडेंसी था, मतलब डिपेंडेंसी जो था
उसको हटा दिया गया पूरा इंडिया में, क्योंकि इंडिया भी शुरू किया बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारा मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री बना दिया, ठीक है। जैसे कि हमने बताया इंडस्ट्रियल बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने की वजह से इंडिया में भी बहुत सारा जो प्रोडक्ट बाहर से मंगवाया जाता था, बाहर से जो इंपोर्ट किया जाता था, वो बंद कर दिया गया, उसको बहुत रिड्यूस कर दिया, और भारत खुद एक डिपेंडेंट कंट्री बनने लग गया था, सेल्फ रिलायंस कंट्री बनने लगा था, क्योंकि जो इंडिया है वो भी तब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से बहुत सारा जो प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करता था वो प्रोडक्ट अपने देश के अंदर ही बनाने लग गया, ठीक है। चलो आप देखते हैं ये सर्विस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ ये 5 ईयर्स प्लान की वजह से। सर्विस सेक्टर इज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये जो सर्विस सेक्टर है ये भी इंडिया का एक की ग्रोथ का पॉइंट हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया इज जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.2% टू 9.4%। मतलब ये जो आईटी सेक्टर था, ठीक है, आईटी सेक्टर ये जीडीपी इंक्रीज करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो 1.2% से, मतलब 1.2% था 1998 में, और इसका जो डेवलपमेंट हुआ डेवलपमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा था। डेवलपमेंट रेट क्या है, 138.5% डेवलपमेंट हुआ आईटी सेक्टर में, ठीक है, जो था 1.2% से लेकर 9.5% 2015 तक। तो ये क्या हुआ, लास्ट डिकेड में कितना चेंज हुआ, 138.5% इंक्रीज हुआ सर्विस सेक्टर में। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि 5 ईयर्स प्लानिंग के लिए आईटी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ, ठीक है। और अब देख लेते हैं सेविंग में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बनाया जाएगा, जब हम पैसे को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, जब सेविंग करेंगे, सेविंग और ठीक से यूटिलाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट के बाद, तभी एक देश का उन्नति हो सकता है। तो क्या होता है, द ग्रॉस डोमेस्टिक जो इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जो है इंडिया का, वो प्रोपोर्शन टू द जीडीपी एज इंक्रीज। वो जो टोटल एक होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो टोटल इनकम माइनस जो सेविंग होता है, जो खर्चा होता है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के बाद क्या आता है, वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। और ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जो है वो किसके साथ प्रोपोर्शन में कितना बड़ा है, वो जीडीपी के साथ प्रोपोर्शन में 8.6% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और 8.6% से कितना इंक्रीज हुआ है, 30%, मतलब जो बहुत एक ज़्यादा सेविंग होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 1950 से लेकर 1951 से लेकर 2013 तक, ठीक है। तो ये भी है बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका था इसका इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि 5 ईयर्स प्लान जो था ये एक्चुअली जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया का डेवलपमेंट में, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये हो गया पूरा नोट को एक्सप्लेन करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई सुझाव है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।